उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार आग की लपटों में धधक रहा है। इस आग को लगे हुए करीब 40 घंटे हो चुके हैं, मगर अब भी दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए जूझ रहे हैं। दरअसल देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सिर्फ आसपास के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को भी अपनी जद में ये आग लेती चली गई। नतीजा, शुरुआत में जलने से हुआ नुकसान जहां करोड़ों में आंका जा रहा था, वो अब अरबों में पहुंच चुका है। कानपुर के बांस मंडी स्थित एआर टावर में रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 6 कॉम्प्लेक्स की करीब 700 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। आग लगने की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और अब सेना, एयरफोर्स, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों की 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। कानपुर के कपड़े की होलसेल मार्केट में लगी आग को अब तो लगभग 2 दिन पूरे होने को हैं, मगर ग्राउंड फ्लोर में लगी ये आग अभी भी पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है और इसके चलते करीब 1 किलोमीटर का एरिया सील भी कर दिया गया है। 12 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया और कंटिन्यूस नॉन स्टॉप वर्क इसमें फायरमैन कर रहे हैं। और आग ऑलमोस्ट हम उस पर काबू पा चुके हैं अंदर, क्योंकि कपड़े बेल्स हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है, उसमें से आग लग रही है। बिल्डिंग कंटिन्यूस हीट पा करके कमज़ोर हो चुकी है, कई जगह क्रैक्स आ चुके हैं, उसको डैश करके मोड़ करके अंदर से ऑपरेशन कर पाना संभव नहीं हो रहा है। बाहर से ही आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसा अभी हमारे अधिकारियों ने बताया है, लगभग 18 से 20 घंटे हम लोग को भी और लगेगा। जितना रिसोर्सेज उन्होंने मांगा था उससे ज़्यादा रिसोर्सेज आसपास के जनपदों से दे दिया गया है। सर, समय समय पर निरीक्षण होता है, पर जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो वहाँ पर एक इक्विपमेंट नहीं देखने को मिलते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई? ऐसा है कि आग का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा विलेन है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। तो हम सब लोगों को इन इंसिडेंट से सबक लेकर के अपने घरों की, अपने प्रतिष्ठानों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा लेना चाहिए। बिजली मिस्त्री को बुला करके, इलेक्ट्रिशियन को बुला करके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुला करके, और अगर हमारे तार पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, तो पीस टाइम में कम पैसे में उसको रिप्लेस करवा दे, जिससे आग लगने की नौबत ना आए। क्योंकि आग जब एक बार लग जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे उस समय परसों हवा भी चल रही थी और हवा की वजह से आप लोगों को पता है, आप लोग तो कंटिन्यूस यहाँ पे मौके पे हैं, जितने समय से हमारे फायरमैन, उतने समय से आप लोग यहाँ पे पूरा कवरेज कर रहे हैं, वो हवा की वजह से सारी दिक्कत हुई है।